डायरेक्शन टेस्ट, इसी का पार्ट आज फिर हम सोल्व करने वाले हैं अल्फाबेटिक टेबल टेस्ट। बहुत ही अच्छा टेस्ट है ये और बड़ा इस पे सारा का सारा एग्जाम डिपेंड होता है। वैसे तो सारी सेक्शनों पे डिपेंड होता है, जितनी भी बैटरीज होती हैं हर किसी पे टेस्ट डिपेंड होता है, क्योंकि सभी में आपको टी स्कोर लेके आना, पास करना टी स्कोर से जरूरी है। टी स्कोर क्या होता है इसका हमने एक वीडियो डाला हुआ है, 42 से अबव टी स्कोर आपका होना चाहिए पास करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए साई को, हर एक सेक्शन के अंदर, हर एक बैटरी के अंदर। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर तीन पार्ट होते हैं या तीन तरह के टेस्ट होते हैं, अल्फाबेटिक टेबल टेस्ट, न्यूमेरिक टेबल टेस्ट और वॉच टेस्ट या क्लॉक टेस्ट या घड़ी परीक्षण। इनमें से कोई भी एक टाइप का टेस्ट आपके एग्जाम में आएगा। जो अभी हम लोग जिसको सोल्व करने जा रहे हैं, इसके अंदर आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे। टोटल 10 क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास में 5 मिनट का टाइम होने वाला है और इनको दो पार्ट में डिवाइड किया होगा। एक पार्ट ये आपका लेफ्ट साइड में टेबल टाइप में दिया हुआ है, दूसरा पार्ट राइट साइड में क्वेश्चन के फॉर्म में होगा। यहां पर क्वेश्चंस एक दूसरे क्वेश्चंस के नीचे लाइन वाइज लाइन होंगे और उनके सामने ऑप्शन होने वाले हैं और इन्हीं को आप क्वेश्चन को सोल्व करना है। पार्ट नंबर एक की मदद लेके पार्ट नंबर दो के दिए हुए क्वेश्चन को आपको सोल्व करना होगा। चलिए अभी हम लोग इन क्वेश्चंस को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। आप लोगों को किसी तरह की कोई डाउट रहे किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम लोग जरूर उसका रिप्लाई करेंगे, जैसे हम पहले भी करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे रिप्लाई। या फिर आप हमारे ऑफिस के फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जहां पर भी आपको सपोर्ट मिलेगा, या अपना क्वेश्चन कोई भी हो वो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं ऑफिस के नंबर पर, आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग चाहें तो एक बार हमारा चैनल को शेयर कर दीजिए किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, और हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे आपका। स्तंभ दो में कौन सा अक्षर है जो एक समान अक्षर के बीच में आता है? स्तंभ दो कौन सा है हमारा? ये स्तंभ दो है हमारा, ये वाला स्तंभ को हम कॉलम भी बोलते हैं। तो यहां पर दो समान अक्षर कहां है? ये इनके बीच में जो ई आ रहा है इसकी बात कर रहा है। अब हमें ई को ध्यान रखते हुए आगे सोल्व करना है। उस अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर के दाएं बोला है, तो पहला अक्षर दूसरा तीसरा दायां इधर होगा इसका, तो हम यहां पर आगे, ठीक है, तीसरा अक्षर के तुरंत नीचे कौन सा अक्षर होगा? तो इसके तुरंत नीचे ये वाला अक्षर जो ए है, यह आपका आंसर निकल के आ जाएगा। समझ गए? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा रखा है जिससे कि आप इस पे ज्यादा आपका टाइम खराब हो या आप से ये क्वेश्चन गलत हो जाए। लेकिन मुझे पता है हमारी टेस्ट सीरीज की जो प्रैक्टिस जो भी बच्चे कर रहे हैं, जो भी दोस्त कर रहे हैं, साथी कर रहे हैं, उनका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि हमने बिल्कुल आरडीएसओ के पैटर्न के हिसाब से टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है, ना कि उल जुलूल क्वेश्चन उसमें डाले हैं। सब सिस्टमेटिक क्वेश्चन डले हुए हैं, तरीके से क्वेश्चन डले हुए हैं, जिनको सोल्व करने में आपको ही मजा आएगा और आपके सारे डाउट्स कंसेप्ट्स क्लियर होते हुए चले जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। पंक्ति तीन, ठीक है, यहां है, में ऐसा कौन सा अक्षर है, अक्षर नहीं है, जो पंक्ति चार में है? तो इसको मैच करा के देखिए, पंक्ति चार और तीन को मैच कराइए, कौन सा ऐसा अक्षर है जो इन दोनों में डिफरेंस में आ रहा है? आप देखिए, ए यहां भी है, यहां भी है, ई यहां है, यहां भी है, सी यहां भी है, यहां भी है, और ये सी यहां भी है, बचा क्या? बी, यानी कि अभी हमें बी मिल गया। यदि ऐसा नहीं है तो नहीं तो है, मिल गया हमें, तो इस नहीं वाले पार्ट्स को हम यहां पर छोड़ देंगे, फिर भी हम लोग पढ़ देते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर वह होगा जो पांच का अंतिम अक्षर होगा। तो यहां तक का जो पार्ट है इसकी हमें जरूरत नहीं है, अब हमें इसको आगे देखना है। यदि ऐसा है तो इस प्रश्न का उत्तर स्तंभ एक का सबसे नीचे का अक्षर होगा। आपको बी मिल गया, तो अब स्तंभ एक का सबसे नीचे का अक्षर क्या है? सी। तो ये आपका आंसर हो गया इस स्टेटमेंट को, लास्ट वाली को ध्यान करते हुए, कंसीडर करते हुए। बीच वाली स्टेटमेंट को आप भूल जाएंगे क्योंकि इसको तो फॉलो कर ही नहीं रहा है। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन आप जो पुराने आपके एएलपी दोस्त बन चुके हैं या जिन्होंने एग्जाम दिया है उनसे बात करेंगे तो वो बच्चे यहां तक बोलते हैं कि सर आपके क्वेश्चन से मिलते हुए पूरे के पूरे क्वेश्चन वहां पर आए।
तो आप लोगों को डरना नहीं है, बस प्रैक्टिस रेगुलर करनी है। और जहां समझ में नहीं आए, वीडियो को एक बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, फिर भी समझ में नहीं आए, क्वेश्चन उठा के मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं वहां रिप्लाई करूंगा आपको। ऐसा कौन सा अक्षर है जो पंक्ति एक के विकर्ण का पहला और अंतिम एक ही है? देखिए पंक्ति एक का है ये। अब पंक्ति एक में इसने बोला नहीं है कि कौन से अक्षर से हमें विकर्ण निकालना है, तो हम सीधा विकर्ण यहां से निकालेंगे। अब इन दोनों में क्या बोला कि पहला और अंतिम अक्षर सेम है, तो ये देखिए पहला और अंतिम अक्षर दोनों सेम है। उन अक्षरों के बीच का अक्षर कौन सा होगा, इन अक्षरों के बीच का अक्षर कौन सा होगा? सी। तो ये आपका सी यहां पर सही आंसर हो गया। इस विकर्ण का बीच का अक्षर भी अगर बोलते ये तो भी सी ही आता। ठीक है, आगे देखिए। स्तंभ पांच में सबसे ज्यादा बार कौन सा अक्षर आया है? स्तंभ पांच हमारे पास में ये है, देखिए सबसे ज्यादा बार कौन सा अक्षर आया है। कोई सा अक्षर नहीं आया है, सारे अक्षरों का एक एक बार यूज किया हुआ है, तो हम इसको तो भूल ही जाएंगे। यदि ऐसा नहीं आया तो अब यहां से सोल्व करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर पंक्ति पांच का तीसरा अक्षर होगा। पंक्ति पांच का है ये है, इसका का बोला है, तो तीसरा अक्षर इसका ये होने वाला, पहला अक्षर, दूसरा, तीसरा। तो जो डी है, ये डी आपका सही आंसर निकल के आया है। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए। पंक्ति चार को उल्टे क्रम में लिखने पर, पंक्ति चार कहां है? पंक्ति चार ये, पंक्ति चार को उल्टे क्रम में लिखने पर स्तंभ पांच, स्तंभ पांच यहां आ जाइए, इसको भी देख लीजिए अब। ठीक है, थोड़ा घुमाने के लिए दिया हुआ है कि विकर्ण, स्तंभ पांच का विकर्ण कहां से बनेगा? ये, क्योंकि इसमें कोई अक्षर का नाम लिया नहीं है कि स्तंभ पांच का तीसरे अक्षर का विकर्ण, ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो इसका स्तंभ पांच का एक ही विकर्ण बना है सी के साथ में। विकर्ण के दाएं, विकर्ण के दाएं अंतिम, इस विकर्ण के दाएं, तो अंतिम कहां है? ये, इसके दाएं की बात करना है। दाएं अंतिम अक्षर के पहले कौन सा अक्षर होगा? दाएं इसके अंतिम अक्षर के पहले अक्षर कौन सा होगा? ये ए। तो ये आपका सही आंसर हो गया यहां पर, ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपके 10 के 10 सवाल यहां पर सही हो जाएंगे। चलिए देखिए। स्तंभ तीन में ऐसा कौन सा अक्षर है जो स्तंभ चार में नहीं है? स्तंभ तीन और स्तंभ चार कंपेरिजन करके देखिए, यदि ऐसा है तो पहले हम देख लेते हैं, ए यहां मिल रहा है, सी यहां मिल रहा है, सी यहां है, डी यहां मिल रहा है और ई यहां मिल रहा है, सब सेम है। ठीक है, ए भी हो गया, यानी कि यहां तक तो कुछ अलग नहीं है। यदि ऐसा है तो प्रश्न उत्तर, तो इस प्रश्न का उत्तर पंक्ति पांच में सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, और यहां तक के को छोड़ दीजिए अब, क्योंकि ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो उत्तर होगा स्तंभ तीन का अंतिम अक्षर, स्तंभ तीन का अंतिम अक्षर हो गया यहां पर डी। तो आपका आंसर डी निकल के आ गया, क्योंकि वैसा यहां पर मैच नहीं कर रहा था, समझ गए, वैसा यहां पर मैच नहीं कर रखा था, क्योंकि यहां पर कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा था, स्तंभ तीन और स्तंभ चार में कोई भी अक्षरों का अंतर नहीं आ रहा था, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन मुझे पता आप कर लेंगे। नीचे बाएं कोना, बायां कोना कहां है? ये है बायां कोना, से प्रारंभ कर ऊपर की ओर चलते चलने पर दाएं स्तंभ दो के ऊपर से, ये बोल रहा है ऐसे चलिए, ऐसे चलिए, ऐसे चलिए, ठीक है, से चलते हुए नीचे अक्षर के दाएं मुड़ते हुए स्तंभ तीन के नीचे से सबसे ऊपर अक्षर पर पहुंचकर यही क्रम जारी रखते हुए स्तंभ पांच के सबसे ऊपर अक्षर पर पहुंचे, ऐसे गए, फिर ऐसे आए, ऐसे किया, ऐसे गए, यहां आए, ऐसे किया, और ये इस फॉलो, इस तरह से चलने के लिए ये बोल रहा है। ठीक है, अब हम चल तो गए, अब क्या करना है? इस क्रम में सबसे पहले चार कौन सी अक्षर आया है चार बार? तो हम लोग ए से स्टार्ट कर लेते हैं, चार बार कौन सा आया है? आप देखिए ए, एक, और उसके बाद में देखेंगे तो दो, तीन, चार। तो चार बार में देखेंगे ए, तो ये यहां पर पहुंच गया लास्ट ए के पास में। ठीक है, बी को देख लीजिए, एक,
आगे बढ़िए, दो तीन और आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो यहां पर चार, तो बी भी अभी बहुत दूर तक जा रहा है, और आगे बढ़िए सी पे आ जाइए, सी को देखते हैं, एक दो तीन और चार, यानी कि सी अभी औरों से सबसे नजदीक दिख रहा है। डी को भी देख लेते हैं हम लोग, डी को देखिए, एक दो तीन चार, तो डी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। ई को और देख लीजिए, लास्ट एक ई देखेंगे तो एक यहां आया है, एक यहां आया है, दो, और ई भी दूर जा रहा है, तो यानी हमारा सही आंसर निकल के आ गया यहां पर सी। सी आपका बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रश्न का उत्तर वह होगा जो उस अक्षर के सबसे नीचे अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर होगा, बड़ा घुमाया हुआ है, जो पंक्ति एक के चौथे अक्षर के तुरंत नीचे अक्षर होगा। पंक्ति एक का चौथा अक्षर, ये पहला अक्षर, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसके तुरंत नीचे अक्षर, इसका तुरंत नीचे का अक्षर कौन सा हो गया, डी। अब यहां से हमें स्टार्ट करना है, ये रिवर्स करना है आपको, देखो ये यहां से इसको रिवर्स लेके चलना है, अब ऊपर की तरफ हम चलेंगे यहां पर, अब हमें यहां से ऊपर सॉल्व करना है। अब डी के बाद आ जाए, इस प्रश्न का उत्तर होगा जो उस अक्षर के सबसे नीचे, इस डी के सबसे नीचे आ गया, ए पे आ गया, के बाएं तीसरा अक्षर होगा, बाएं तो बायां इसका इधर हो गया, तीसरा मतलब पहला दूसरा तीसरा, तो आपका यहां पर आंसर सी निकल के आ गया है, सी आपका यहां पर सही उत्तर हो गया। देखो घुमाने के लिए कुछ क्वेश्चंस कुछ भी दे सकते हैं, आरडीएसओ बड़ी जल्दी अपना पैटर्न चेंज कर देता है और क्वेश्चन की क्वालिटी को भी चेंज कर देता है। अगर आपने सही से सभी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रेगुलर की है तो आप फंसेंगे नहीं इसके क्वेश्चनों के अंदर, ठीक है। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि आपका कोई पेपर खराब ना हो। देखिए अगला क्वेश्चन, पंक्ति एक और पांच को उल्टे क्रम में, ये पंक्ति एक और ये पांच में लिखने पर तथा पंक्ति दो तीन और चार को नहीं पलटने पर, पंक्ति दो तीन चार को हमें कुछ भी नहीं करना है, पर अब आ जाओ स्तंभ तीन के बीच के अक्षर, ये स्तंभ तीन है, अभी पलटा पलटी हम बाद में करेंगे, इसका बीच का अक्षर ये सी है, बीच के अक्षर के नीचे बाएं अंतिम विकर्ण, बाएं अंतिम विकर्ण मतलब ये इधर की तरफ आ जाना है, बाएं अंतिम विकर्ण के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, के दाएं, अब के आ गया यहां पर, तो इसके दाएं इधर की तरफ बढ़ेंगे हम यहां पर, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस पोजीशन पे जो अक्षर है उसको हमें पकड़ना है। अब इसने क्या बोला था पहले ऊपर कि पंक्ति एक और पांच को उल्टे क्रम में लिखना है, तो उल्टे क्रम में लिखोगे तो इस चौथी पोजीशन पे क्या आएगा, यहां सी आ जाएगा, इधर सी आ जाएगा आपका, लिख नहीं पा रहा है क्या हो गया, कुछ सी इधर आ गया, बी इधर चला गया, ए इधर आ गया, डी इधर चला गया, और डी सेंटर का बीच में ही रहेगा, तो अब ये चौथे पोजीशन पे क्या था हमारे पास में, सी, तो ये सी आपका यहां पर सही आंसर आ जाएगा। मतलब आपको अपना टाइम बचाना है यहां पर और इंस्ट्रक्शंस को बड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इसका, पंक्ति एक से सीधे चलने पर स्तंभ पांच के सबसे नीचे अक्षर के बाएं, पंक्ति एक से चलना है, सीधा चलना है, सीधा चल दिए, स्तंभ पांच में आ गए कि सबसे नीचे के अक्षर पे आना है, यहां आ गए कि बाएं अंतिम अक्षर पहुंचना है, इसके बाएं अंतिम अक्षर यहां पहुंचना है, यानी कि ये ऐसे था फिर नीचे आए फिर ऐसे आए, ये पूरा का पूरा रूट इसका बन गया, ठीक है। पहुंचने पर इनके मध्य कौन सा अक्षर होगा, इनके मध्य अक्षर कौन सा होगा, ये मध्य अक्षर होगा, गिन लीजिएगा आप, ये बीच का ई आपको मध्य में मिलेगा, उस अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, इस अक्षर के बाएं इस तरफ के बोल दिया, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, ये ई आ गया यहां पर, के तुरंत नीचे कौन सा अक्षर होगा, यानी इसके तुरंत नीचे अक्षर बी होगा आपका, तो बी आपका यहां पर सही आंसर निकल गया। तो इस तरह से हमने ये आपके 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप भी कोशिश कीजिएगा, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, हमारी टेस्ट सीरीज के बारे में बताइए कि वो गलत जगह ना पहुंच पाए, क्योंकि देखिए क्या है, बहुत सारी टेस्ट सीरीज मार्केट में चल रही हैं, जहां कहीं मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, बट हमारा टेस्ट सीरीज में जो कंटेंट है वो एग्जाम रिलेवेंट है, एग्जाम से मिलता जुलता है, एग्जाम से हूबहू वैसा ही मिलता जुलता कंटेंट है, और उसी लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी हैं। हम लोग
प्रीवियस 2019 में भी हमने साइको का एग्जाम करवाया था ऑनलाइन, तब से हम लोगों को एक्सपीरियंस इसका अच्छा खासा हो गया है कि क्वेश्चन के कंटेंट किस तरह के आ रहे हैं। तो बच्चे गलत जगह ना पहुंचे, उनका टाइम और पैसा और ये कॉन्फिडेंस बेकार ना जाए, क्योंकि एक बच्चे का, एक साथी का एग्जाम अगर फेल हो जाता है तो उसके पीछे उसके बहुत सारे सपने टूट जाते हैं। तो आप लोग बस अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए ताकि वो लोग भी आपको याद रखें, क्योंकि हमारे पास लगभग 99% बच्चे ऐसे आ रहे हैं जिनको, जो पहले सिलेक्शन हो चुके हैं लोको पायलट वगैरह, वो लोग रिकमेंड कर करके भेज रहे हैं। तो इस वो उनका विश्वास है हम पे, इसीलिए वो लोग भेज रहे हैं। तो आप भी अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिएगा, जैसा आपके साथ में रिजल्ट पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो भी रिकमेंड कीजिए, और अगर आपको कोई सजेशन है हमारे इसमें अपडेट करने का तो वो भी आप हमें कमेंट्स में डालते रहिएगा। चलिए, स्वस्थ रहिएगा दोस्तों, ध्यान रखिए अपने आपका। जय हिंद, जय भारत।